के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता मौजूद रहे। उम्मीदवार 11 मार्च तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। मतदान 21 मार्च को होगा और उसी दिन परिणामों की घोषणा होगी। जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मंत्री संतोष कुमार सुमन शामिल है। प्रदेश